हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप होंगे एकदम फिट एंड फाइन। मैं भावना करती हूँ आपका अपने चैनल में स्वागत। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही चटपटी रेसिपी, एक ऐसी सब्जी जो आप नॉर्मली घर में बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी अपने अंदाज में और उसका टेस्ट होगा थोड़ा सा आपसे डिफरेंट। तो सीख लेते हैं और देख लेते हैं आज की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च और आलू की मसालेदार सब्जी, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये लिए है मैंने शिमला मिर्च, आपको दिखा देती हूँ। और ये शिमला मिर्च मैंने धो लिए हैं, धोने के बाद में इनको हम कट करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अपनी सब्जी को काट के कर लेते हैं रेडी। तो करते हैं शिमला मिर्च को काटना शुरू। तो दिखाती हूँ आपको, इनको मैंने काटूंगी। तो सबसे पहले बीच वाला जो डंठल है इसका हम इसे निकाल लेंगे, ये वाला जो डंठल है इसे हम निकाल लेंगे और इसे काटेंगे बीच में से, ये ऐसे करके, और इसे काटेंगे पतले स्लाइस में। देखिए आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आप जैसा आपको पसंद हो वैसा काटें। और मैं इसे लंबे स्लाइस में काटने वाली हूँ, इस तरह से मैं इनको काटूंगी लंबे स्लाइस में। तो सबको मैं काट के कर लेती हूँ रेडी। तो इस सब को कर लिया है मैंने कट, आपको दिखा देती हूँ। शिमला मिर्च मेरी कट के हो चुकी है रेडी और इनको मैंने काट लिया है, इसको कर रख देती हूँ एक साइड में। ओके, और ये मैंने आलू छील लिए हैं और पानी में भिगो दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैं इनको भी कट कर लेती हूँ इसी पानी में। तो दिखाती हूँ आपको, तो करते हैं आलू काटना चालू। और इनको भी मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी ऐसे, और छोटे छोटे पीस, ज़्यादा मोटे नहीं काटने वाली, आप छोटे छोटे पीस काटूंगी, आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए देखिए, छोटे पीस ही काटूंगी, ज़्यादा मोटे नहीं काटने वाली हूँ। इनको कर लिया है काट के मैंने रेडी, आपको दिखाती हूँ। आलू मेरे कट के रेडी हो चुके हैं और इनको मैं एक दो बार अभी और वॉश करूंगी। और ये मेरी शिमला मिर्च हो चुकी है, तो सब्जी मेरी कट के हो चुकी है रेडी और इसको रख देती हूँ मैं एक साइड में। और ये लिया है मैंने कुछ मसाला, आपको दिखाती हूँ। ये दो टमाटर हैं, दो प्याज हैं, चार पांच हरी मिर्च हैं, और ये है एक अदरक का टुकड़ा। और इन सब का हम कर लेते हैं मसाला रेडी पीस के। तो मसाला कर लिया है मैंने अपना रेडी, इसमें दो टमाटर, दो प्याज, दो चार पांच हरी मिर्च हैं और एक है अदरक का टुकड़ा। तो मेरा मसाला हो चुका है रेडी। तो करते हैं रेसिपी बनाना चालू। तो आज मैं अपनी रेसिपी कढ़ाई में नहीं, ये कुकर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर खाना कुकर में ही बनाती हूँ सब्जी। कुकर से खाना बनाने में ये होता है तो जल्दी बन जाता है, और दूसरा गैस की बचत हो जाती है, गैस कम खर्च होती है। खुल के खाना बनता है तो ज़्यादा गैस वेस्ट होती है, इसलिए खाना मैं कुकर में बनाती हूँ सब्जी जो भी बनाती हूँ ज़्यादातर। तो इसे गर्म करते हैं सबसे पहले। कुकर हो गया हमारा गर्म और इसमें डाल देते हैं हम ऑयल। ये मैंने ऑयल डाला है करीब 2 बड़ा चम्मच तेल है ये, और मैंने डाल दिया है और इसको हम गरम करते हैं पहले। तेल हो गया हमारा गरम और इसमें डालती हूँ मैंने ये एक तेज पत्ता लिया है, ये एक तेज पत्ता इसमें डाल देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तेज पत्ता इसमें हो रहा है फ्राई। और इसके बाद डालती हूँ इसमें जीरा, ये आधा चम्मच जीरा है, जीरा इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं ये ली है 1 पिंच, एक चुटकी लिए मैंने हींग, हींग भी इसमें डाल देती है, डाल दी मैंने। और इसको मैं हल्का गोल्डन ब्राउन करूंगी पहले। जीरा हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन, आपको दिखा देती हूँ, ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैं ये मसाला इसमें डाल दूंगी, मसाला इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैंने ये डाल दिया है इसमें मसाला है अपना, और ये है मेरा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, लाल मिर्च ये मैंने डाल दी है इसमें, लाल मिर्च आपको दिखा देती हूँ। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, गरम मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। और इन सब मसालों को आराम से स्लो फ्लेम पर मैं पहले पकने देती हूँ, ठीक है। तो इनको पकाते हैं सबसे पहले हम इन मसालों को, और थोड़ा ढक्कन बंद कर देते हैं और गैस को कर देते हैं स्लो, इसको पका लेते हैं पहले अच्छी तरह से। मसाला पक रहा है तब तक ये मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने हरा धनिया काट लिया है इसे अब फाइनली बाद में डालने के लिए। तो ये मेरा हरा धनिया कट के हो चुका है रेडी, इसे रख देती हूँ मैं एक साइड में और करती हूँ इंतजार अपने मसाले के भुनने का। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं मसाला भुना है या नहीं भुना है, ये आपको दिखाती हूँ। ये मसाला बिल्कुल भुन चुका है, अभी मैं से भी 2 मिनट अभी और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए और अपना घी बिल्कुल ये तेल अलग छोड़ दे इसमें। तो 2 मिनट अभी मैं इसे और पकाने वाली हूँ, तो करते हैं 2 मिनट का वेट।
2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं मसाला अपना। देखिए मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है अलग, तो ये हमारा मसाला हो चुका है एकदम रेडी। और इसमें डालते हैं हम अपने आलू, जो हमने आलू काटे थे इनको मैंने धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इनको डालती हूँ कुकर में, इनको डाल दिया मैंने कुकर में। और ये मेरी शिमला मिर्च है, इनको भी मैं डाल देती हूँ, तो इनको भी मैंने डाल दिया है। और इनको कर लेती हूँ मैं पहले मिक्स। तो मिक्स करने से पहले मैं इसमें डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, पहले मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और फिर करती हूँ इन सबको मैं मिक्स। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूंगी मैं और आपको दिखाती हूँ। मैं मिक्स कर लिया है मैंने इन सबको, देखिए देखिए सब्जी सारी मिक्स हो गई है। और इसमें मिलाएंगे हम, ये भी लिया है मैंने 1.25 गिलास पानी, तो मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। ये मैंने अंदाजे से 1/2 गिलास पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद इस सबको कर दिया है मैंने मिक्स, और इंतजार करेंगे 1 सीटी आने तक का। तो 1 सीटी आने का करते हैं वेट और फ्लेम को कर देते हैं अपना हाई। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और 1 सीटी आने का करते हैं इंतजार। ओके, 1 सीटी हमारी आ चुकी है, फ्लेम को कर देंगे बंद और करेंगे इसका प्रेशर खत्म होने का वेट। प्रेशर हो चुका है खत्म, देखिए प्रेशर खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं कैसी बनी है हमारी सब्जी। तो खोलते हैं अपना कुकर और देख लेते हैं सब्जी को, आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही जूस वाली सब्जी, मसाले की सब्जी बनके तैयार हुई है। और मैं इसे 2 मिनट के लिए खोल के अभी और पकाऊंगी, क्योंकि मैं कुकर की हर सब्जी को 2 मिनट के लिए खोल कर जरूर पकाती हूँ। और आपको दिखाती हूँ जो हमारा ये आलू, देखिए आलू दिखाती हूँ आपको, ये गले हैं नहीं गले हैं, देखिए एकदम गल गए हैं, देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, ये आपको दिखाती हूँ एकदम बढ़िया गले हैं। और ये सब्जी हमारी हो गई है रेडी, 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और आपको दिखाती हूँ मैं इसे एक कटोरी में पलट के, देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, सब्जी हो चुकी है हमारी एकदम रेडी। तो फ्लेम कर देते हैं अपना बंद और डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और ये धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। और दिखाती हूँ आपको सब्जी की कंडीशन, देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आपको दिखा देती हूँ खोल के, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इसे करती हूँ एक कटोरी में प्लेटिंग करती हूँ इसकी, और दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है मेरी सब्जी। और इसे कर लिया है मैंने प्लेट में, और दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है मेरी सब्जी। और दिखाती हूँ आपको कुकर, बहुत अच्छा कलर आया है, एकदम हलवा स्टाइल, एकदम बढ़िया कलर आया है। और इसे कर देती हूँ एक साइड में और आपको दिखाती हूँ अपनी सब्जी। सब्जी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और आप भी सूखी सब्जी बनाते हो शिमला मिर्च की, लेकिन आप जूस वाली सब्जी बनाइए, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में सबको पसंद है। और मैं लंच में सुबह कभी कभी ये भी ट्राई कर लेती हूँ, संडे को तो खैर हमारे यहाँ सब्जी बनती ही है। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरा मन तो अभी खाने को कर रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से और आप मेरा वीडियो पहले देख पाएं सबसे। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी सब्जी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में मुझे रहेगा आपके रिप्लाई का इंतजार। ओके बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बहुत गर्मी है, बी हैप्पी बी कूल।